आज हम जानेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट भी है और जिसका बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, जैसे आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए के प्रकार कितने हैं? टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए है, टीआरएनए और तीसरा कौन सा है? आरएनए। अब इनका काम क्या होता है? ये जो सभी आरएनए हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? कौन बनाता है इन्हें? आरएनए को बनाता है डीएनए। डीएनए के द्वारा आरएनए बनता है। ठीक है, अब ये जो आपका आरएनए है, आरएनए में जो एमआरएनए है, आपको पता है कि डीएनए क्या करता है? अनुवांशिक सूचनाओं को, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। अब डीएनए किसको बनाएगा? ये सूचनाएं पहुंचाने के लिए एक सहायक के रूप में किसका यूज करेगा? ये आरएनए का। अब ये पाया कहां जाता है? तो आपको पता है किसी भी कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, तो केंद्रक में क्या पाया जाएगा? डीएनए। ठीक है, अब जो आरएनए है, इसमें से ये तीनों आरएनए जो आपका राइबोसोमल आरएनए है, ये तो कहां पाया जाएगा? केंद्र में, आरएनए। और बाकी जो एमआरएनए और टीआरएनए है, ये कहां पाए जाएंगे? और यहीं पे आपका टीआरएनए। ठीक है, अब इसमें जो आपका डीएनए है, ये क्या करेगा? ये पहले प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचना किसको देता है? एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए, मतलब संदेश वाहक आरएनए। फिर ये यहाँ पे क्या होता है? अनुलेखन। ये आपका डीएनए, डीएनए से क्या बना? आरएनए। ठीक है, आरएनए के ये क्या हो गए? प्रकार। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, यहाँ पे अनुलेखन की क्रिया होगी। अनुलेखन के द्वारा प्रोटीन निर्माण से संबंधित सूचना किसको देगा? एमआरएनए को। अब ये जो एमआरएनए है, ये प्रोटीन निर्माण करवाएगा किससे? कहां पे, किस स्थल पे होगा प्रोटीन निर्माण? कौन करेगा? एमआरएनए। कहां पे करेगा? केंद्रीय भाग में, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए पर प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो आपका टीआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। ये आपका क्या है? एम मैसेंजर आरएनए, या इसे को हम क्या बोलते हैं? संदेश वाहक आरएनए। ये आपको क्या है? ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए। और ये आपका क्या है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, या इसे को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए, सीधा 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 राइबोसोम आरएनए। ठीक है, तो डीएनए किसका निर्माण करेगा? एमआरएनए का। ठीक है, एमआरएनए मतलब तीनों तरह के ही आरएनए बनाता है, तो सबसे पहले किसका निर्माण करेगा? एमआरएनए का। एमआरएनए में अनुलेखन द्वारा क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण। अब ये प्रोटीन का निर्माण कैसे करेगा? किस जगह पे करेगा? ये राइबोसोमल आरएनए पर। और ये जो आपका ट्रांसफर आरएनए है, स्थानांतरण आरएनए जिसे हम बोलते हैं, तो ये प्रोटीन निर्माण के लिए जरूरी पदार्थ ले जाने का काम करता है। मतलब ये किसी भी बिल्डिंग को बनाने का जो ठेका होता है, वो ठेकेदार लेता है। और ठेकेदार क्या करता है? बिल्डिंग को बनाने के लिए मजदूर इकट्ठा करेगा, मटेरियल इकट्ठा करवाएगा। ठीक है, तो उन सब के लिए अलग अलग भर्ती होती है। तो इसमें भी क्या, जो ठेकेदार है वो कौन सा हो गया आपका? डीएनए। वो काम किसको दे रहा है? नहीं, मतलब डीएनए क्या है? कोई भी जो काम दे रहा है ठेकेदार को। ठीक है, तो डीएनए क्या हो गया? जैसे हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो वो जो कोई भी काम बांटेंगे, तो ऐसे ही तो छोटे छोटे यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो वो काम कहाँ तक जाएगा? ठेकेदारों के पास जाएगा। तो
आरआरएनए और सामान मतलब प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो अम्ल होगा वो कौन लेके जाएगा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीन प्रकार के आरएनए हो गए और ये तीनों के प्रकार, ठीक है, जो डीएनए और आरआरएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्र में, और बाकी का आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।